बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड डॉन के एक साथ होने की कई अटकलें कई बार लगाई गई है। कई बार ये दावा किया गया है कि बॉलीवुड में सारा पैसा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का लगता है। इतना ही नहीं, कई सेलिब्रिटी ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के साथ बातचीत होने के दावे भी किए हुए है, जिस वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री कई बार विवादों में आई है। लेकिन इन सब के बीच बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना जादू चला चुकी है। कई ऐसी एक्ट्रेस रही है जिनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड के साथ रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसी एक्ट्रेस के बारे में। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम का रिश्ता। 19 के दशक में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हॉट किरदार निभाने वाले एक्ट्रेस मंदाकिनी का हर कोई दीवाना था। लेकिन इस एक्ट्रेस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी अपना दीवाना बनाया था। कई बार चर्चाएं हुई है कि मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने इस बात को हमेशा नकारा है। 1944 में दुबई शारजाह में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान मंदाकिनी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया, जिसके बाद इन खबरों में और भी ज्यादा तेजी आ गई। हालांकि दावा तो ये भी किया गया था कि दाऊद की वजह से ही मंदाकिनी को बॉलीवुड की कई फिल्मों में लिया गया। इसी बदनामी की वजह से एक्ट्रेस का करियर भी खत्म हो गया। मोनिका बेदी और अबू सलेम। एक्ट्रेस मोनिका बेदी की लाइफ भी काफी कंट्रोवर्शियल रही है। मोनिका का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ जुड़ चुका है। दोनों के अफेयर की खबरें खूब उड़ी थी। दावा किया गया था कि अबू सलेम की वजह से ही मोनिका बेदी को बॉलीवुड में एंट्री मिली थी। इस दौरान अबू सलेम डायरेक्टर्सों को धमकाते थे और एक्ट्रेस को फिल्मों में एंट्री दिलवाते थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि एक समय दोनों ने देश छोड़ लिया था, लेकिन पकड़े जाने के बाद ही मोनिका बेदी और अबू सलेम का रिश्ता खत्म हुआ। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी का कैरियर काफी छोटा रहा, लेकिन इस छोटे से कैरियर में ममता कुलकर्णी ने अपने एक्टिंग और बोल्ड किरदार की वजह से सभी को हैरान कर दिया था। हर कोई एक्ट्रेस के ग्लैमरस अंदाज का दीवाना था, लेकिन कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी को फिल्मों में काम छोटा राजन के कहने पर ही मिलता था। इसी बीच एक्ट्रेस और छोटा राजन की अफेयर की खबरें भी आई। कहा जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे। अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड की दुनिया से पाकिस्तानी एक्ट्रेस का भी नाता रहा है। 19 के दशक में पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब दाऊद के काफी करीब रही है। कहा जाता है कि जब एक प्रोड्यूसर ने अनीता को फिल्म में लेने से मना कर दिया था, तो दाऊद के गैंग ने उसे मार डाला था।